तो हेलो फ्रेंड्स, रोबी मोटर गैरेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे पास है होंडा एक्स ब्लेड। तो उसका गियर में दिक्कत आ रही थी, तो ऐसा हो रही थी जो गियर रिटर्न नहीं हो रहे थे, गियर में सब गियर में पड़ रही थी, मगर जब रिटर्न करने जा रही थी तो ऐसा लग रहा था उसका स्प्रिंग टूटा है। तो इसका स्प्रिंग ही टूटा है, मगर आपको दिखाऊंगा इसका किसका स्प्रिंग टूटा हुआ है। तो इसका जो गियर चेंजर होता है, ये देखिए, ये इसका गियर चेंजर है और इसका इसमें एक स्प्रिंग रहता है। तो ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो अगर ये आपका हॉर्नेट में भी हो रहा है तो सेम प्रॉब्लम, मतलब सेम इंजन होता है, एक्स ब्लेड और हॉर्नेट का इंजन सेम ही होता है। तो अगर हॉर्नेट में आपका इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसका जो गियर चेंज करने का जो स्प्रिंग है टूट गए थे, इसलिए रिटर्न नहीं हो पा रहे थे। इसका स्प्रिंग का काम है रिटर्न करना। तो मैं इस स्प्रिंग को हमारे लोकल शॉप में ये मिल जाता है, तो अगर आप इस शोरूम में मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये आपका शोरूम में पूरा सेट, ये देखिए इसका पूरा इस तरह का जो गियर लीवर है ये फुल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्प्रिंग। मैं मेरे पास में एक पार्ट्स का शॉप है, ये मेरे को मिल गया, ओके। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा प्राइस है, 50 रुपये इसके प्राइस है। तो ये हम इसमें फिटिंग करेंगे तो ये आपका जो गियर का प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। तो ये फिटिंग किस तरह से करते हैं, देखिए इस तरह से रहेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। और अब इसको देखिए, इसमें जो एक घाट है देख सकते हैं, ये इस तरह से अंदर चला जाएगा और इससे देखिए ओके काम हो गया। हल चकाटा के घुराता हो, हाँ पता नहीं, देखिए फर्स्ट गियर आप देख सकते हैं। तो पहले गियर इस तरह से रिटर्न नहीं हो रहा था, ये जो काम है इस तरह से दो साइड से रिटर्न करते हैं, तो वो टूट गई थी, इसके कारण ये रिटर्न नहीं हो रही थी और जिसके कारण गियर में दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स। तो ये इसका प्रॉब्लम है, हाँ ओके। तो इस छोड़ दो इधर चलाओ। तो इसका काम हो गया फ्रेंड्स, अब मैं जो इसका जो हब क्लच व्हील क्लच वो सेटिंग करूँगा। तो किस तरह सेटिंग करना है आपको दिखाता हूँ। तो एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट इस तरह से इसमें है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है, देख सकते हैं इस तरह से सेटिंग हो जाएगा। और इसके बाद ये सेंटर क्लच है, देखिए। तो इसमें देखिए एक डॉट है, ये देखिए डॉट देख सकते हैं, ये डॉट और यहाँ पे एक डॉट देख सकते हैं, ये डॉट सीधा मिलेगा लाइन, तो इसमें ये सेटिंग हो जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहे देखिए इस तरह से करेंगे तो इसमें नहीं होगा, देखिए एक गैप रह जाएगा, नहीं फिटिंग होगा। तो ये देखिए इस दाग में डॉट मिला दूंगा तो फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद इस यहाँ पे एक वॉशर रहेगा, ओके। ये वॉशर हर बाइक में ही रहता है, इस तरह का वॉशर यहाँ पे रहेगा।
और इस तरह से आपको और लास्ट में जो क्लच प्लेट वो इसके अंदर आपको फंसा देना होगा, चारों इधर और एक जो देख सकते हैं ये लास्ट में इधर फंसा देना। ओके फ्रेंड्स, तो ये रखा बूस, ये बूस जरूर इसमें देना होगा। इसके बाद इस तरह से कुछ घुमा घुमा के आपको इस तरह से देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो वॉशर आपको दे देना होगा। मैं इसको टाइट कर दिया, ये 19 नंबर का एक नट था उसको टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद ये फ्री होगा इस तरह से। अगर ये टाइट करने के बाद ये फ्री नहीं होगा तो आपको क्लच सेटिंग नहीं हुआ, आपको ख्याल करना होगा कि ये नट टाइट करने के बाद भी। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ इसमें इस तरह का स्प्रिंग दे देना होगा और ये इस तरह से टाइट कर देना होगा। नसन मोटी दे बंद कर। Está en la
मैंने फाइनली सब सेट कर दिया। और देखिए गियर को चेक करता हूँ आपके, फर्स्ट गियर, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।